अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ज्यादातर लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चेक से एक बार में एक बड़ा अमाउंट निकाला जा सकता है। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चेक का इस्तेमाल करना नहीं आता है, उन्हें नहीं पता होता है कि चेक से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। सो हे गाइस, मैं हूँ सूरज भान एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप चेक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक है। चेकबुक किसी भी बैंक का हो लेकिन प्रोसेस सभी में सेम होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास चेक है और हम खुद से ही अपने चेक से पैसे निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा डेट। जैसे कि आज का डेट है 17 सितंबर 2022। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DDMMYYYY, यानी कि यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है और यहाँ पे ईयर डालना है। इन केस की अगर आपने आज का डेट डाला बट आप इस चेक से आज के डेट में पैसे नहीं निकाल पाए किसी कारणवश, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चेक से आप किसी और भी डेट में पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, और हिंदी में भी है केवल 3 महीने के लिए वैध। इसका मतलब जिस भी दिन का डेट चेकबुक पर आपने लिखा है उस डेट से 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहेगा। आप 3 महीने के अंदर कभी भी इस चेक से पैसे निकाल सकते हैं। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे के सामने लिखना है सेल्फ। सेल्फ हमें यहाँ पे से मिला करके लिखना है और सेल्फ के आगे जो है आपको एक लाइन खींच देना है। दोस्तों ये लाइन इसलिए खींचना है ताकि इसमें कुछ और ऐड ना किया जा सके। इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। जैसे कि हमें निकालना है 4 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख रुपीज ओनली। उसके बाद आपको इसके आगे लाइन ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है 4 लाख। यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है ताकि इस चेक का कोई मिसयूज ना कर पाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस चेक को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हैं। चेक से पैसे निकालने का कोई भी लिमिट नहीं होता है, लेकिन कुछ चेकबुक ऐसी होती हैं जिसमें 10 या 15 लाख की लिमिट लगी होती है। होम ब्रांच के अलावा किसी अदर ब्रांच से अगर आप पैसे निकालते हैं तो ही ये लिमिट वहाँ पे लगेगी। अगर आप होम ब्रांच से ही पैसे निकालेंगे तो आप जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि इस चेकबुक में आप देख सकते हैं लिमिट लगा हुआ है 50 लाख रुपए का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चेकबुक पे लिखा हुआ है वैलिड अप टू 50 लाख एट नॉन होम ब्रांच, यानी कि हम अपने ब्रांच के अलावा किसी अदर ब्रांच से अगर पैसे विड्रॉ करेंगे तो वहां पे हम मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक ही निकाल सकते हैं इस चेक से। इसके बाद यहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर आपको नेम के ऊपर या फिर यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है इसके ही ऊपर करना है। अगर आप यहाँ से नीचे सिग्नेचर करते हैं तो ये वैलिड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे ये चेक नंबर होता है, अगर आपसे कहीं चेक नंबर मांगा जाए तो आप यही नंबर देंगे और इस चेक नंबर को आप अपने बुक में नोट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर MICR कोड होता है और यहाँ पर अकाउंट नंबर विथ RBI होता है और ये ट्रांजेक्शन नंबर होता है। सेल्फ चेक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम यहाँ से इसे निकालेंगे। अब हमारा ये जो चेक है वो रेडी हो चुका है। इसके बैक साइड पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको 2 सिग्नेचर करना है ताकि बैंक वाला वहां पे इजिली वेरीफाई कर सके कि ये सिग्नेचर आपका ही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 सिग्नेचर कर दिया है। अब दोस्तों ये चेक हमारा रेडी हो चुका है, इसे आपको बैंक पे लेके जाना है और वहाँ पे जो कैश काउंटर होता है वहाँ पे जमा कर देना है। वहाँ पे आपको कोई भी आईडी या कोई भी अदर फॉर्म दिखाने या भरने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये केवल चेक दे देना है और आपको वहाँ से कैश मिल जाएगा। इस चेक से आप अपने होम ब्रांच से भी पैसे निकाल सकते हैं या किसी भी अदर ब्रांच से भी निकाल सकते हैं, बट आपका जो बैंक है वो सेम होना चाहिए। आई होप कि आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि चेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चेक कैसे भरा जाता है और चेक से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी रेगुलर वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।